गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू रिवीजन ऑफ आर चैप्टर 2। तो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसके बुक वर्क का। तो आप बुक वर्क देखिए, मैंने ये पहले भी कराया था आपको, बट आपको जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वो आज फिर से समझ लीजिए। जिन जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है वो ध्यान से आज इन्हें समझने की कोशिश करें, राइट? तो देखो, यहाँ पर जो आपका बुक वर्क है उसमें देखिए, आप बी वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो ए वाला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन आंसर्स। तो जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम आपका नोटबुक में नोट करेंगे, है ना? जैसे मैंने पहले करवाया था नोट, तो आपको नोटबुक में नोट करने होंगे, तो इसलिए हम पहले बुक वर्क करते हैं। तो बुक वर्क बी से स्टार्ट है। क्वेश्चन बी आपका है, राइट यस और नो। तो आपको यहाँ यस और नो में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर आईज हेल्प अस फाइंड आउट इफ समथिंग इज हार्ड और सॉफ्ट। तो क्या आपकी जो आईज है वो हेल्प करती है किसी भी चीज़ को फील करने में कि वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है? नहीं, हम अपनी आईज को आईज से देखकर नहीं बता सकते कि कौन सी चीज़ हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो लिख देंगे, राइट? एंड सेकेंड क्वेश्चन है, ईयर्स हेल्प अस हियर द स्कूल बेल। तो आपके कान स्कूल बेल को सुनने में हेल्प करते हैं, राइट? हम जो स्कूल बेल है उसे कैसे सुनते हैं? अपने कानों से सुनते हैं, अपने ईयर्स से सुनते हैं। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, वी कैन टेस्ट विद द हेल्प ऑफ आर टीथ। हम अपने दांतों की मदद से टेस्ट करते हैं। नो, हम अपने दांतों की हेल्प से टेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप कोई भी फूड खाते हैं तो आपको टेस्ट किससे आता है? आपकी टंग से आता है, ना कि आपकी दांतों से। दांतों से तो हम क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं, राइट? तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। एंड फोर है, आर स्किन हेल्प्स अस नो इफ द वाटर इज कोल्ड। तो हमारी स्किन हेल्प करती है वाटर कोल्ड है या फिर आपका, जैसे आपका वाटर है, आपको कोई भी वाटर दिया जाता है कोल्ड या फिर हॉट वाटर, तो आप कैसे फील करते हैं? टच करके। तो टच क्या होती है, आपकी स्किन। तो आपकी स्किन हेल्प करती है यह जानने में कि पानी ठंडा है या नहीं है, राइट? तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। एंड फिफ्थ है, द नोज हेल्प अस टू स्मेल। यस, आपकी जो नोज़ है वो हेल्प करती है स्मेल करने में। तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, यस लिखा है। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सी। तो यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको आपको फिल करना होगा, जो भी आपको ब्लॉक में गिवन है, शोल्डर्स, होल्ड, फीट, वॉश एंड लुक, इन सब में से आपको करेक्ट वर्ड फिल करना होगा। देखिए, तो फर्स्ट है आपका, वी वॉक विथ आर डैश। तो डैश में क्या फील करेंगे, फीट। हम किसकी हेल्प से चलते हैं, हमारी फीट की हेल्प से, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, फीट लिखा है, राइट? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है आपका, वी शुड वॉश आर हैंड्स आफ्टर टेकिंग आर फूड। तो मैंने यहाँ वॉश फिल किया है, क्यों? क्योंकि हमें हमारा जो खाना होता है उसे खाने के बाद क्या करना चाहिए, अपने हैंड वॉश करने चाहिए, राइट? थर्ड है, वी शुड लुक आफ्टर आर बॉडी। हमें हमारी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लुक फिल किया है। वी होल्ड थिंग्स विद आर हैंड्स। हम चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं, कैसे होल्ड करते हैं, हमारी हाथों की हेल्प से। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, वी होल्ड, होल्ड हम यहाँ लिखेंगे, वी होल्ड थिंग्स विद आर हैंड्स। हम हमारे हाथों से चीज़ों को पकड़ते हैं। फिफ्थ है, वी कैरी आर स्कूल बैग ऑन आर शोल्डर्स। हम स्कूल बैग को कैरी करते हैं, उसे टांगते हैं कहाँ पे, हमारे शोल्डर्स पे, राइट? तो इस तरह से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने होंगे। अब है क्वेश्चन डी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर आप टिक करेंगे यहाँ, देखिए, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आर बॉडी। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का नहीं है। हैंड, लेग, पंपकिन।
तो हैंड, लेग और पम्पकिन में से कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का नहीं है? ऑब्वियसली पम्पकिन हमारी बॉडी पार्ट नहीं है, पम्पकिन तो वेजिटेबल होती है, तो इसलिए पम्पकिन के आगे हमने राइट टिक कर दिया है। सेकंड है, इफ़ योर लेग्स आर टाइड टू अ चेन यू विल नॉट टू एबल टू स्पीक, वॉक और ईट। अगर आपकी लेग्स को बांध दिया जाता है किसी चेन से तो आप क्या नहीं कर सकते? अगर आपकी लेग्स को बांध देंगे तो आप चल नहीं सकते, इसलिए हम सेकंड वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर आपकी लेग्स को बांध दें तो आप बोल भी सकते हैं एंड खाना भी खा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन वन एंड थर्ड तो क्रॉस हो गया एंड ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है, तो यहाँ टिक कर दीजिए। अब थर्ड है, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू यू हैव? आपके कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? हमारे हैं 5 सेंस ऑर्गन्स, तो इसलिए हमने 5 के आगे टिक किया है। फोर्थ है, विच ऑर्गन डू वी यूज टू टॉक? हम कौन से ऑर्गन का यूज करते हैं बात करने के लिए? लेग्स, माउथ और नोज, तो हम यूज करते हैं माउथ का, तो हमने माउथ के आगे टिक कर दिया है, राइट? अब है आपका ई क्वेश्चन, तो विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स यू टू? आपको यहाँ बताना है, आपको यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, उनको आपको पहचानना है और बताना है कि किस ऑर्गन से हम ये एक्टिविटी करते हैं। तो फर्स्ट है वॉच कार्टून्स, हम कार्टून्स कैसे देखते हैं? हमारी आइज से, तो इसलिए मैंने यहाँ आइज लिखा है। सेकंड है नो दैट द आयरन इज़ हॉट, आप कैसे जानते हैं कि आयरन जो है वो हॉट है या कोल्ड है? हॉट होगी आयरन, कैसे पता चलेगा? टच करके, और टच कहाँ से होती है? स्किन से, तो इसलिए सेंस ऑर्गन हो गया आपका स्किन। अब थर्ड है लिसन टू म्यूजिक, अब आप म्यूजिक कैसे सुनते हैं? अपने ईयर्स से, तो मैंने यहाँ लिखा है ईयर्स। फोर्थ है नो द टेस्ट ऑफ अ चॉकलेट, अब चॉकलेट का टेस्ट कैसे जानते हैं आप, कैसे पहचानते हैं? हमारी टंग से, हमारी जो जीभ होती है हमारी टंग से हम टेस्ट पहचानते हैं। स्मेल ऑफ रोजेज, अब स्मेल जो होती है रोजेज की, कोई भी स्मेल हो आप उसे कैसे फील करते हैं? हमारी नोज से, राइट? तो ये मैंने यहाँ लिखे हैं सेंस ऑर्गन्स और ये इनकी एक्टिविटीज़, तो आपको ये समझ आ गया होगा बुक वर्क। तो आप ये जो बुक वर्क है वो आप अपनी बुक में नोट करेंगे, पेंसिल से फिल करेंगे जैसे मैंने किया है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो इसे फिल करें एंड बाकी इसका रिविज़न करें, ओके?